हेलो एवरीवन, वेलकम टू री टैरो 1111। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आप सबकी दोस्त री, एंड यस, लेट्स डू द वीकली रीडिंग। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे रहने वाला है? और आप लोगों ने वोट करके बताया था कि इस बार बर्थ मंथ के अनुसार करना है, ठीक है? सो आपके लिए है दो ग्रुप। पहला ग्रुप है जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, एंड सेकेंड ग्रुप है सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर। ओके, सो प्लीज़ चूज़ कर लीजिए अपनी बर्थ मंथ। आप चाहे तो किसी और के लिए भी ये रीडिंग चेक कर सकते हैं। ओके, फ्रेंड्स, फैमिली, डेफिनेटली यू कैन डू दैट क्रॉस वॉचिंग। एंड यस, लेट्स सी व्हाट कम्स अप इन योर नेक्स्ट 7 डेज। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज रीडिंग। हेलो माई ब्यूटिफुल ग्रुप वन, जिनका बर्थ मंथ है जनवरी टू जून, लेट्स सी आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाला है। ध्यान से सुनिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो जो मैसेज रेजोनेट करे आपको ले लेना है, जो ना रेजोनेट करे आपको जाने देना है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि आज हम लोग टैरो से देखेंगे, ओरेकल से देखेंगे और टी लीफ कार्ड से भी देखेंगे कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स। सो पूरा रीडिंग देखना, कुछ भी स्किप मत करना। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप वन के लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओके, द बिगिनिंग ऑफ द वीक, ओके, मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। बिगिनिंग ऑफ द वीक यू हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो बिगिनिंग ऑफ द वीक में दिख रहा है कि आपको जो है कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते हुए आप यहाँ पे नजर आ रहे हो। यू आर रिसीविंग गिफ्ट्स। जितना आप लोगों को दे रहे हो उतना ही आप रिसीव कर रहे हो। बहुत ही अच्छे से इक्वल गिव हो रहा है, इक्वल एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है रिलेशनशिप्स में। मनी इज फ्लोइंग टू यू, यू आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स। बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स जो है वो आपके पास आ रहे हैं। इनफैक्ट यू आर इन अ वेरी वेरी गुड मूड। इनफैक्ट हो सकता है कि आप जो है अपना बर्थडे, जैसे कि मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो आप लोग भी शायद कर रहे हैं। सो या, इट्स पॉसिबल that you are enjoying your birthday, you are enjoying your anniversary। आपके relationships में बहुत ही अच्छी dynamics यहाँ पे दिख रही है। ढेर सारी abundance आपके लिए आ रहे हैं beginning of the week में, and it's felt कि ये आपका last weekend से ही शुरू होके आपका week के first एक दो दिन तक ये same energy continued हो रहा है, ठीक है? सिक्स नंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके सन, मून, राइजिंग हो सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी द मिड ऑफ द वीक। अरे, मिड ऑफ द वीक में यू हैव द फाइव ऑफ कप्स विच शोज डिसअपॉइंटमेंट्स। हो सकता है मिड ऑफ द वीक में आप नेगेटिव्स पे ज्यादा फोकस करो रादर दैन पॉजिटिव्स। ओके, आपको बोला जा रहा है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। वैसे फुल मून भी है 23rd को, और फुल मून में बहुत सारे लोगों के इमोशंस हेयरवायर हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत दुखी हो सकता है। सो टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स। ओके, सो हो सकता है उस टाइम पे मिड वीक में आपको जो है थोड़ा सा इमोशनली अनकंफर्टेबल महसूस हो। इनफैक्ट इतना कुछ मिलने के बाद भी हो सकता है कि आपको लगे अरे इतना कुछ मिल गया बट वो तो नहीं मिला जो मैंने देखा था। सो वैसे भी एक फीलिंग आते हुए दिख रही है। ओके, सो कीप दोज इमोशंस इन चेक। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक इंसान या एक सिचुएशन को फाइनली बाय बाय बोल रहे हो इन द मिड ऑफ द वीक बिकॉज यू हैव रिसीव्ड अ मच बेटर सिचुएशन। ये भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है। एंड ऑफ द वीक यू हैव द फाइव ऑफ वॉन्ड्स विच शोज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। फाइव फाइव आई है, फाइव टॉक्स ऑफ चेंजेस एज वेल। सो डेफिनेटली आप अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो उसके लिए मुझे दिख रहा है यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। आप अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हो कि कुछ भी आ जाए मेरे सामने मुझे तो परफॉर्म करना ही है। इन योर वर्क प्लेस एज वेल इट्स पॉसिबल कि कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार आप बन जाए, तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ वाइज आई एम सीइंग दैट द बिगिनिंग ऑफ द वीक लुक्स फैब। कोशिश कीजिए कि वही हाई वाइब में आप पूरा वीक निकाल सको इफ इट्स पॉसिबल। बट या, देयर इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस और आपके मूड स्विंग्स के वजह से फाइट्स हो सकते हैं पार्टनर के साथ, तो प्लीज थोड़ा सा अपना दिमाग शांत रखे। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल। उसके पहले मैं बता देना चाहूंगी, अगर वीडियो आपके साथ रेजोनेट करी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करे ब्लेसिंग्स, एंड यस, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल बटन जो है वो प्रेस कर दे। इससे आपको सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती है, ठीक है? वैसे ये तो जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करे। 50% ऑफ चल रहे हैं पर्सनल रीडिंग में, अप टू 50% ऑफ ऑन डिफरेंट रीडिंग्स। तो जरूर से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, ठीक है?
चलिए देखते हैं ओरेकल से व्हाट्स कमिंग इन फॉर ग्रुप वन. बाय द वे मैंने इंस्टाग्राम पे नेक्स्ट 48 आवर्स का भी रीडिंग डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी मैं टाइम स्टैम्प्स के पास डाल रही हूँ, वो जरूर जाके चेक कीजिए. कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए थे. यू हैव मच्योर वुमन 6, सो 6, 5 ये नंबर्स आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है. ओके, आई जस्ट गॉट अ मैसेज कि अगर आपको सर्जरी के लिए कोई डेट चाहिए तो आप 5 या 6 ले. ओके, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, इट्स सुपर स्पेसिफिक, बट या अगर आपको सर्जरी के लिए डेट लेना है देन प्लीज टेक 5th और 6th. देन यू हैव नंबर 7 मैसेज, आई टेक वन मोर. एंड यू हैव ओवर हियर द चाइल्ड. ऑल राइट, ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना कैमरा को एडजस्ट कर रही हूँ सो दैट आप कार्ड्स को देख पाओ. आई होप इट्स विजिबल प्रॉपरली. ओके, यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विद द मच्योर वुमेन, यू आर रिसीविंग द गाइडेंस और हेल्प ऑफ अ मच्योर पर्सन, जो आपको जो है लाइफ में, आपके करियर या रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे एडवाइस दे रहे हैं. कुछ लोगों के लिए आप खुद एक मच्योर वुमन बन रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू बी अ बिगर पर्सन, ये चीज भी यहाँ पे आ रही है. कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिज के लिए अलायंस देख रहे थे या रिलेशनशिप्स के लिए देख रहे थे, इट कैन कम थ्रू अ फीमेल मेंबर. यहाँ पे मैसेज के साथ दिख रहा है आपको कोई ऑफिशियल मैसेज मिल सकता है, ठीक है, रिगार्डिंग प्रमोशन, ट्रांसफर, न्यू जॉब, ओके, ज्वाइनिंग लेटर, ऐसा कुछ मिल सकता है, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन से कोई टेक्स्ट कम्युनिकेशन आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है. कुछ लोगों के लिए फोन कॉल हो सकता है, बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू इट्स अ मैसेज, स्पेशली जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में. नाउ विद द चाइल्ड ओवर हियर, आई कैन सी कि आपका बहुत पुराना कोई मेमोरी जो है अचानक से ट्रिगर हो सकता है. जैसे देखिए वो कितना क्यूटली उनके टॉय को जो है हग कर रहे हैं. सो दिस फुल मून कैन एक्चुअली ट्रिगर योर इमोशंस. कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज से अगर आप डील कर रहे थे तो वो चीजें जो है ठीक करने की आपकी आवश्यकता पड़ेगी इस हफ्ते. प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर हीलिंग. आपकी कोई पसंदीदा चीज अगर खो गई थी कहीं पे तो वो आपको मिल सकता है इस वीक में. ऑल्सो जो लोग प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे थे या चाइल्ड बर्थ के लिए ट्राई कर रहे थे, दिस इज अ गुड वीक टू ट्राई फॉर. ऑल राइट, चलिए अब देख लेते हैं टी लीफ कार्ड से आपके लिए क्या आ रहे हैं मैसेजेस. प्लीज यूनिवर्स गाइड करे फॉर ग्रुप वन नेक्स्ट 7 days में उनके लाइफ में क्या क्या हो सकता है. ओके, आई टेक 3. Let's see the messages. First, we have got over here. Wedge, someone is trying to come between you and a friend or something you want. Okay. So, जैसे कि यहाँ पे 5 of Wands का कार्ड मिला था जो दिखाता है एनमिटी को, जो दिखाता है लोगों के आड़े आने का या फिर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज या डीले क्रिएट करने का या फिर आपके लिए एक सिंपल से पाथ में डिफिकल्टीज भर देने का. ओके, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट मैसेज. फिर हमारे पास है सी हॉर्स फैमिली मैटर्स. सो डेफिनेटली फैमिली के मामले में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है एंड यस, सी हॉर्स जो है प्रेगनेंसी को भी दिखाता है. सो डेफिनेटली आप जो है कोई गुड न्यूज रिसीव कर सकते हो. एंड बिफोर द लास्ट मैसेज ऑफ द डे, जल्दी से जो है वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, ब्लेसिंग्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दे. एंड पर्सनल रीडिंग अगर आपको अप टू 50% ऑफ पे बुक करानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कॉन्टैक्ट करें. ओके, एंड द लास्ट मैसेज वी हैव रेड, सॉरो ओवर अ लॉस. तो हो सकता है कि आप लोगों को जो है कोई ऐसी न्यूज मिले जो इतनी अच्छी ना हो. ओके, एंड ऑल्सो इट्स पॉसिबल कि कोई लॉस पे आपको सॉरो फील हो. नॉट नेसेसरी ये लॉस आपको अभी हुई है, ये लॉस आपके कोई पुराना लॉस हो सकता है जो ट्रिगर हो रहा है इन द मिड वीक. ठीक है, वो यहाँ पे आ रही है कि आप जो है थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, पुरानी चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, जिसके वजह से आपको सॉरो महसूस हो सकती है. ठीक है, नाउ लेट्स टेक पार्टिंग गाइडेंस फॉर यू, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए ये आने वाले 7 दिन में. ओके, एंड सी गाइडेंस में भी आपको आया है 4 of Cups. जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रही है प्लीज उस पर ध्यान दे, ना कि जो खो चुकी है. ठीक है, प्लीज अपना
थॉट्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, सो दैट यू कैन हैव अ ग्रेट वीक. ऑलराइट, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप वन. आई होप यू गाइस एंजॉयड. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. टेक केयर. बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर टू. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जुलाई से दिसंबर के बीच में आता है, दिस इज योर रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ. ओके, सो लेट्स सी आने वाला नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसा रहेगा. मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, इससे आपको पता चलेगी कि ये आप ही का रीडिंग है. एंड यस, इसके लिए हम टैरो, ओरेकल एंड ऑफकोर्स मेरे जो टी लीफ कार्ड्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे टू गेट द स्पेसिफिक मैसेजेस एंड इवेंट्स. ध्यान में रखिए गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो मैसेजेस रेजोनेट करे आपको जो है ले लेना है, जो ना रेजोनेट करे उसको आपको जाने देना है. साथ ही साथ ये सारे जाति धर्म के लोग देख सकते हैं. सो या लेट्स सी आने वाले 7 दिन ग्रुप टू के लिए कैसा रहने वाला है फ्रॉम टैरो, देन वी विल सी फ्रॉम द ओरेकल. बिगिनिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड यू हैव द एंड ऑफ द वीक. मैं कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ, इससे आप कार्ड्स अच्छे से देख पाएंगे. ओके, ऑल राइट, लेट्स सी. बिगिनिंग ऑफ द वीक यू हैव गॉट द किंग ऑफ कप्स. बिगिनिंग ऑफ द वीक में आप काफी ज्यादा यहाँ पे सैटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं. आप अपनी इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं. अगर आप किसी के लिए फील करते हैं तो उसको एक्सप्रेस बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हैं. साथ ही साथ अगर कोई आपको पसंद करता है कि उनको तरफ से भी आपको कोई लव मैसेज या टेक्स्ट या आपके स्पाउस के तरफ से रोमांटिक जेस्चर्स आपको देखने को मिल सकता है इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक. ओके, फैमिली की बात करूं तो आपके फादर या फादरली फिगर से आपको ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स या कोई अप्रिसिएशन मिलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं. वर्क प्लेस ऑल्सो आपके सीनियर्स या आपके बॉस आपके काम से काफी ज्यादा खुश यहाँ पे नजर आ रहे हैं. ओके, सो ग्रेट एनर्जीज. फिर हमारे पास है मिड वीक में द मजिशियन. सो मिड वीक में फुल मून भी आ रहे हैं 23rd को. सो यस, आप कोई रिचुअल कर सकते हैं कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए. काफी अच्छी आपकी मैनिफेस्टिंग पावर रहेगी इन द मिड वीक. एंड यस, ये भी दिख रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से प्यार रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, रिलेशनशिप और आपकी हीलिंग ऐसे कुछ, तो मिड वीक में वो चीज होते हुए भी दिख रहे हैं. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आप एक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे थे जो आपको समझे, वैसा एक इंसान भी आपके लाइफ में यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं. एंड ऑफ द वीक यू हैव द पेज ऑफ सोल्स, जो दिखाते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन के बाद पेज ऑफ सोल्स का कार्ड दिखता है कि आपके पास यूनिवर्स कोई मैसेज, सिंक्रोनिसिटीज, कुछ इंफॉर्मेशन आपको भेजेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, आप सोशल मीडिया पे हो, आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, सडनली आपको कुछ ऐसे दिखने को मिलेगा जो आपके क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा. ठीक है, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये यूनिवर्स ही है जो आप तक ये मैसेजेस पहुंचा रहे हैं. कुछ नया क्रिएटिव आइडियाज, न्यू एजुकेशन रिलेटेड थिंग, कोई नया कोर्स आप डेफिनेटली करना शुरू कर सकते हैं. काफी ज्यादा आप एक्साइटेड रह रहे हो एंड ऑफ द वीक में. यू कैन गो आउट फॉर अ शॉर्ट ट्रिप इज वेल विथ योर फ्रेंड्स, यू नो, रेस्टोरेंट या कोई नई जगह आप एक्सप्लोर करने गए हो. मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है या फिर हाल ही में ही अपना कोर्स खत्म किया है, आपके लिए कोई वर्क अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रहे हैं. ऑनलाइन कोई वर्क हो सकता है ये. अगर आपके बच्चे हैं उनके लिए मैं दिख रही हूँ कि वो आपके पास ये मांग कर सकते हैं कि उनको कोई पेट चाहिए. ओके, आई एम गेटिंग दैट मैसेज कि उनको कोई पप्पी चाहिए, बर्ड्स चाहिए. यू नो, दे विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड टू गेट न्यू एनिमल्स एंड बर्ड्स इन योर होम. ऑल्सो अपने जो किड्स है उनके तरफ से आपको कुछ इम्पोर्टेंट सीखने को मिलेगा इन द एंड ऑफ द वीक. ठीक है, बच्चे है मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ सिखा नहीं सकते. ठीक है, वी कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स, चाहे वो हमसे बड़े हो या छोटे हो. तो हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसी सीख आपको मिल रही है जो बुकिश नॉलेज नहीं है, इट्स मोस्टली फ्रॉम एक्सपीरियंस. ओके, सो यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो, लीब्रा, जेमिनाई की एनर्जीज इंपॉर्टेंट है. 14, 1, 5, 11, 2 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट आए हैं. ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल. इसके पहले गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट करो ब्लेसिंग्स एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लो. इससे आपको सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलेगी. एंड यस, ये तो जनरल रीडिंग है. पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें. और अभी अप टू 50% पर्सनल रीडिंग पे ऑफ चल रही है, सो डू हरी एंड बुक योर सीट नाउ. ऑलराइट, चलिए देखते हैं ओरेकल से आपके लिए क्या आ रहे हैं ग्रुप टू फॉर द नेक्स्ट 7 डेज. लेट्स चेक.
यू हैव अ मैसेज. आई थिंक आप में से कुछ लोग ग्रुप वन भी देखे हो या ग्रुप वन के किसी के साथ आप डील कर रहे हो, वर्क और पर्सनल कोई भी हो सकता है. फिर हमारे पास है द मेन फीमेल. आई टेक वन मोर कार्ड. नंबर सेवन, नंबर टू इम्पॉर्टेंट, टॉयल एंड लेबर. ओके, आप किसी पर्टिकुलर अपने विश को लेके, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी टाइम से मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं. ठीक है, टॉयल एंड लेबर शोज कि आप जो है अपने कैपेबिलिटी से कहीं गुना ज़्यादा आप यहाँ पे मतलब वर्क कर रहे थे. कुछ लोग डबल शिफ्ट पे काम कर रहे थे, कुछ लोग जॉब बिजनेस एक साथ कर रहे थे. पर जो भी आपका मेहनत का फल है वो आपको इस वीक में देखने को मिल सकता है. अगर पूरा भी ना मिले, एटलीस्ट यू विल गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट. ऑल राइट, बिकॉज योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ ओवर हियर. कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कोई एडिशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिले एंड यू विल डू इट हैप्पीली. ओके, यहाँ पे दुख की नहीं बल्कि आप खुश हो रहे हो कि आपको एक लीडरशिप पोजिशन मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिल रहा है, एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सीखने की आपका जो दायरा है वो बढ़ रहा है. ओके, दैट एरिया इज इंक्रीजिंग फॉर यू इन योर वर्क स्पेस. मैसेज दिखाता है कि आपके पास कोई रजिस्टर्ड पोस्ट पे लेटर आ सकता है, डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन ओवर टेक्स्ट कॉल आ सकता है, प्रोफेशनल और पर्सनल, या आप किसी को कोई रजिस्टर्ड लेटर भेज सकते हो. ठीक है, मेन फीमेल शोज की फॉर मेनी ऑफ यू, एंड दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, आपको आपका ट्रू लाइफ पार्टनर जो है, डेस्टाइंड पार्टनर जो है, वो इस वीक मिल सकता है. ठीक है, अगर आपने, बाय द वे, मैंने लास्ट रीडिंग ही पार्टनर पे किया था, लाइफ पार्टनर पे. अगर आपने देखा नहीं है तो लिंक मैंने टाइम स्टैम्प्स के पास दे दिया है, जरूर जाके चेक कर लीजिए. सो डेफिनेटली यू आर मीटिंग दैट पर्सन, और ये पर्सन एक काफी अच्छे घर से यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, दे हैव अ फाइनर टेस्ट इन आर्ट्स, क्रिएटिविटी, और उसके कुछ हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है ऐसे भी यहाँ पे दिख रहे हैं. ठीक है, दे हैव अ ब्यूटिफुल हाउस इज वेल. ग्रेट. ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टी लीफ कार्ड्स स्पेसिफिक कुछ इवेंट्स जो आपके लाइफ में हो सकता है आने वाले नेक्स्ट 7 दिनों में. ठीक है, वो देख लेते हैं ग्रुप टू के लिए क्या आ रहे हैं मैसेजेस. गाइस, इंस्टाग्राम में मैंने आज ही एक रील पोस्ट किया है रिगार्डिंग द नेक्स्ट 48 आवर्स. उसमें कुछ स्पेशल मैसेजेस थे तो आप जरूर जाके वो भी देख लीजिए. उसका लिंक मैंने टाइम स्टैम्प्स के पास ऑलरेडी दे दिया है, बिकॉज उसमें भी कुछ बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस थे जो आपके साथ रेजोनेट करेंगे. ऑल राइट, चलिए फर्स्ट मैसेज देखते हैं. फर्स्ट मैसेज आया है कास्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन. ये जो आपने मैनिफेस्टेशन किया है, दिस इज फाइनली गिविंग यू अ ब्रांड न्यू लाइफ. जो चीजें, जो लोग आपको आपके साथ रेजोनेट नहीं करते, ओके, दोज पीपल और सिचुएशंस आर लीविंग योर लाइफ. फाइनली एक सिचुएशन जहां पे आप खुद को बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस करते थे, दैट थिंग इज ऑल्सो कमिंग टू एन एंड. ओके, आई गॉट अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज. अगर आपके शनि के सारे साथी चल रहे थे, वो यहाँ पे खत्म होते हुए दिख रहा है. ठीक है, सो अ वेरी पावरफुल टाइम फॉर सम ऑफ यू. सेकेंड मैसेज, यू हैव लैडर क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस. डेफिनेटली विद द टॉयल एंड लेबर इट्स वेरी क्लियर कि आप अपने ग्रोथ, अपने सक्सेस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हो और खुशी खुशी दे रहे हो. ओके, बिकॉज यू जेन्युइनली वॉन्ट टू ग्रो. वेरी गुड. एंड द लास्ट मैसेज, यू हैव गॉट ईगल ट्रायम्फ ओवर ऑब्स्टिकल्स एंड ट्रबल्स. सो डेफिनेटली आपकी जो भी परेशानियां थी उससे आपको छुटकारा मिल रहे हैं. यू आर कमिंग आउट सक्सेसफुल. अभी देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 7 डेज. आपको किस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए सो दैट आपका वीक अच्छा हो. देखिए, टैरो इसीलिए होता है सो दैट यू गेट अ गाइडेंस जो होने वाला है. अगर आप कुछ प्रिकॉशंस ले तो थोड़ा बहुत आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट, यू हैव गॉट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आपको बोला जा रहा है कि आपका जो इस वीक का फोकस है वो अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपने स्टेबिलिटी, अपनी वेलबींग के ऊपर होना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा खुद को सेल्फ लव कीजिए, ज्यादा से ज्यादा खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए. ईट गुड फूड, आई मीन ऑफकोर्स न्यूट्रिशियस फूड, एंड अपने लिए कोई चीज अगर आप खरीदना चाहते हैं टू सेलिब्रेट योर सेल्फ, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट. इस चीज से आप जो है बहुत ज्यादा स्पेशल फील करेंगे और एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ,
मुझे और ज्यादा लाइफ में ग्रो करना है बिकॉज आई वॉन्ट मोर ऑफ दीज थिंग्स फॉर योर सेल्फ. ओके, ये चीज आप फील कर सकते हो. फर्टिलिटी हाई रहेगा नेक्स्ट वीक में. ऑल्सो यस, शादी का प्रपोजल आने का चांसेस है. सो अ ग्रेट वीक. सो दैट वॉज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक इट ग्रुप टू. अगर अच्छा लगे तो जरूर से मेरे को बताना. लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो पर्सनल रीडिंग पे अप टू 50% ऑफ है, तो जल्दी जाओ और यहाँ पे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके बुक करा लो. ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय.